हम लोगों द्वारा बताया गया कि बच्चे कभी भी यात्रा करते हैं सबसे पहले टिकट लेकर यात्रा करना है। दूसरा, यात्रा के दौरान कोई भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीजें नहीं ले। टीआरपी के लोगों ने यहाँ बच्चों की बहुत हेल्प की, यहाँ पे जो भी अधिकारी लोग थे उन सबने बच्चों को बहुत कुछ बताया। चार महीने के लोग आप देख रहे हैं सुहाग लाल न्यूज चैनल। इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर रेलवे स्टेशन पर। जी आपको बता दें, आज काशीपुर रेलवे स्टेशन पर मास्टर इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा मास्टर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों को भ्रमण कराया गया है, जिसमें बच्चों को तमाम जानकारियां दी गई, कैसे ट्रेन का संचालन करते हैं, किस तरह ट्रेन में जाने के लिए टिकट लेते हैं, और अगर कोई भी इमरजेंसी है ट्रेन में सफर करते समय तो किस तरह इमरजेंसी ब्रेक लगाए जाते हैं चैन खींचकर, तमाम जानकारियां बच्चों को दी गई हैं। आइए जानते हैं बच्चों से और विद्यालय के प्रधानाचार्य से कि क्या क्या जानकारी बच्चों को दी। गुड आफ्टरनून, आई एम रिद्धिमा गर्ग फ्रॉम क्लास 5। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर एंड आई हैव रियली फन हियर। The railway department told us everything about railway station. We have to pull the chain in emergency. In emergency. Thank you, sir, for this wonderful trip. Evening, everyone. My name is Rishi Vardhan. I study in class 4th B and my school name is Master Indranesa. आज हमारा स्कूल का विजिट हुआ जिसमें हमने सीखी, हमने ट्रेन की जानकारी सीखी, जिसमें हमें बताया गया कि ट्रेन को कैसे चलाया जाता है और ट्रेन के पायलट को कहा जाता है लोको पायलट कहा जाता है। और इसमें हमें बताया गया अगर तुम्हें कहीं भी उतरना है तो इमरजेंसी उसे चैन होती है, उससे हम खींच के उसको ब्रेक लगा सकते हैं। थैंक यू। अन्ना अग्रवाल, आई एम फ्रॉम क्लास 7। आई एम मास्टर इंटरनेशनल स्कूल। माय स्कूल विल केम ऑन आवर रेलवे स्टेशन फॉर विजिट। I will learn many things and I have very enjoyed. Good afternoon, sir. I am Samarthi Singh and our school gives us the opportunity to visit the railway station and we know very much about the railway station. That first of all, we have to book the tickets, then we have to go on the platform and when announcement will held, so we have to go on the platform where our train will come and then we visit to chair car and we learn how to take ticket. And we never should talk with strangers person and never exchange things with them. भ्रमण कराने का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को रेलवे स्टेशन की जानकारी देना। यहाँ करीब हमारे पास 40 से ज्यादा बच्चे ऐसे जो कभी रेलवे स्टेशन या रेलवे में बैठे ही नहीं, उनको देख के बड़ा एक्साइटमेंट है, सिर्फ फोटो देख रखे थे बच्चों को। तो बच्चों को रेलवे टिकट कैसे ले जाते हैं, रेलवे स्टेशन क्या होता है, यहाँ क्या सेफ्टी सिक्योरिटी रखनी चाहिए, अनजान लोगों से बात नहीं करनी, कोई चीज़ छूनी नहीं अनजान चीज़ों को, और चलती ट्रेन में गेट पे खड़े नहीं होना है, और पुलिंग चैन कैसे कब खींची जाती है, और आरपीएफ का जो टोल फ्री नंबर है 139 वो बच्चों को याद कराया गया ताकि बच्चों को कोई दिक्कत अगर आ रही रेलवे में तो बच्चे वो वहाँ पर कॉल कर सकें। और बच्चों को बताया गया कि पुलिस इनकी सुरक्षा के लिए इनकी दोस्त है, इनसे डरना नहीं है। कई बच्चे क्या होते हैं कि बच्चों को परेशानी है, पुलिस के और डर जाते हैं बच्चे। तो हमने वहाँ पे जितने भी यहाँ पे आरपीएफ के और जीपीएफ के लोग थे यहाँ पर, उन्होंने यहाँ बताया बच्चों को कि बेटा आपको हमसे डरना नहीं है, कोई समस्या है आपको हमारे पास आना है। तो जीआरपी के लोगों ने यहाँ बच्चों की बहुत हेल्प की, यहाँ पे जो भी अधिकारी लोग थे उन सबने बच्चों को बहुत कुछ बताया, काफ़ी जानकारी समझाया बच्चों को। बच्चों को बताया कैसे कोयले की ट्रेन से जो है डीजल ट्रेन बनी, डीजल ट्रेन से कैसे जो है इलेक्ट्रिक में कन्वर्जन हुआ, बच्चों को ये भी सिखाया गया। और बच्चों को बताया गया कि कैसे आपको प्लेटफॉर्म पर चलना है, कितनी दूरी रखनी है, और ट्रैक पर कभी जाना नहीं है, अगर एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक जाना है तो उसके लिए जो है ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करना है। अब बच्चे यहाँ बहुत एक्साइटेड है और धन्यवाद है रेलवे डिपार्टमेंट का, रेलवे स्टेशन का, जिन्होंने यहाँ बच्चों को भ्रमण कराने की अनुमति दी, बच्चों को बहुत सारी जानकारी दी, बच्चे बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड है। धन्यवाद। लोगों द्वारा बताया गया कि बच्चे कभी भी यात्रा करते हैं सबसे पहले टिकट लेकर यात्रा करना है। दूसरा, यात्रा के दौरान कोई भी अनजान व्यक्ति से खाने पीने की चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें नशीला पदार्थ दे करके बच्चों को ले जा सकते हैं वो लोग। तीसरा ये है कि अगर किसी प्रकार की यात्रा के दौरान कोई भी समस्या होती है तो उनके द्वारा हमारे द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर है रेलवे का 139, उस पर कॉल करके हम लोगों द्वारा उनकी नेक्स्ट स्टेशन पर पूरी सहायता की जाएगी। ये और दूसरा क्या है, बिना टिकट कभी भी यात्रा नहीं करना है, क्योंकि वो यात्रा करोगे तो उस पर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को समझाया गया कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हो गंदगी नहीं करनी है, और हमेशा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए पुल का प्रयोग करना है, फुट नीचे से रेलवे लाइन क्रॉस नहीं करना। ये हम लोगों द्वारा बच्चों को जानकारी दी है।